कि राहुल गांधी उससे 4 महीना पहले 6 जनवरी को बिना देश को बताए चाइना निकल जाते हैं और चाइना के राजदूत से मिलते हैं और राजदूत को एक फाइल सौंपते हैं। यहां पे विशेष बात यह है कि राजदूत को एक फाइल सौंपते हैं चाइना के राजदूत को 6 जनवरी 2018 को और 26 अप्रैल 2018 को नरेंद्र मोदी पे सवाल उठाते हैं। अब आते हैं 31 अगस्त 2018 वही दिन है जिस दिन भारतीय मीडिया में एक सवाल उठती है कि आखिर राहुल गांधी मानसरोवर की यात्रा पे जा रहे हैं चाइना के रास्ते से क्यों। अब सोचने वाली बात है, हम मानसरोवर की यात्रा को जाते हैं तो हम हिंदुस्तान के रास्ते से जाते हैं, वो चाइना के रास्ते से मानसरोवर को आ रहे हैं आखिर क्यों 31 अगस्त 2018 को। उसके बाद से 16 अक्टूबर 2018 शाम को मीडिया पुष्टि करती है कि ब्रह्मोस मिसाइल चाइना ने बना लिया। देश के तमाम लोग समझदार हैं, बताने की जरूरत नहीं है। अब मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूं, उस फाइल में आखिर क्या था? जब रसिया के कुछ साइंटिस्ट से मीडिया ने पूछा कि अगर यह टेक्नोलॉजी अगर कैसे भी हमें मिल जाता है तो हम इस मिसाइल को कितने दिन में बना सकते हैं, तो रसिया के साइंटिस्ट ने साफ साफ कर दिया कि अगर पूरे तरीके से तैयारी हुआ हो और टेक्नोलॉजी अगर हमें मिल जाए तो हम यह मिसाइल 6 महीना से 7 महीना में यह मिसाइल बना सकते हैं। अब राहुल गांधी जाते हैं 6 जनवरी को, एक फाइल देते हैं राजदूत को, जो मैं नहीं बोल रहा हूं, इस देश की मीडिया बोल रही है कि आखिर उस फाइल में क्या था 6 जनवरी 2018 को। और चाइना जो है ब्रह्मोस मिसाइल बनाती है 16 अक्टूबर को, मिसाइल वो दिखा देती है दुनिया को कि हमने भी ब्रह्मोस जैसी टेक्नोलॉजी बना दी। दोस्तों, देश का गद्दार कौन है बताने की जरूरत नहीं है। सरकार किसी की भी हो, भाजपा या कांग्रेस की, यह देश हम सबका है, यह राष्ट्र हम सबका है। अगर यह बर्बाद होता है तो हम बर्बाद हो रहे हैं। मैं बार बार कहता हूं कि देश में 1800 से ऊपर छोटी बड़ी पार्टियां हैं, लेकिन कांग्रेस एक ऐसी पार्टी है, इकलौती पार्टी, ना मैं मुलायम को बोल रहा हूं, ना मैं आरजेडी को बोल रहा हूं, सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस को बोल रहा हूं। कांग्रेस एक ऐसी पार्टी है जो इस देश को बर्बाद करके भी सरकार बनाना चाहती है। मई 2014 कांग्रेस की सरकार जाती है और कुछ खुफिया रिपोर्ट में यह पता चलता है कि कांग्रेस की सरकार जब गई थी उसके कुछ दिन पहले डीआरडीओ से इसरो से और भी बहुत सारे जगहों से बहुत सारी फाइलें गायब है। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये मैं बार बार कहता हूं कि मैं साक्ष्य के साथ बात कर रहा हूं। अगर आपको भरोसा नहीं है आप गूगल करो, 2014 मई में डीआरडीओ से, इसरो से और बहुत सारे डिफेंस की फाइलें जो है वो गायब थी और बहुत सारी डिफेंस की फाइलों का जीरोक्स कराया गया था। क्यों, मैं बताना चाहता हूं कि एक वेपन्स, एक मिसाइल की जो टेक्नोलॉजी होती है वो करोड़ों में नहीं अरबों में बिकती है। कितना में? अरबों में। और ये ना जाने कितने टेक्नोलॉजी चाइना और पाकिस्तान को बेचे हैं इस देश के गद्दार, और इस देश के गद्दार कौन है वो आप सबको पता है, आप सबको पता है इस देश के गद्दार। इसीलिए मैं बोलना चाहता हूं दोस्तों, वोट आप आरजेडी को दो, जदयू को दो, मुलायम सिंह यादव को दो, किसी को भी दो, लेकिन दोस्तों कांग्रेस को वोट मत करना कभी भी, क्योंकि कांग्रेस इकलौती ऐसी पार्टी है जो देश को बेच देगी, देश को। एक और मैं बात बताना चाहता हूं दोस्तों, जब राहुल गांधी के दादाश्री, इस देश के दादाश्री के दादी मां के पिताजी जवाहरलाल नेहरू इस देश के प्रधानमंत्री थे, उन्होंने ही नारा दिया था हिंदी चीनी भाई भाई, और उसी नारा से पैदा हुआ ये राहुल गांधी, और उसके बाद से ब्रह्मोस मिसाइल लगा चाइना के हाथ में, जो मिसाइल हमारे अब्दुल कलाम आजाद ने दिन रात एक करके भारत को दिया था, जो मिसाइल हमारे अब्दुल कलाम आजाद ने दिन रात एक करके भारत को दिया था, वह टेक्नोलॉजी सिर्फ और सिर्फ चंद पैसों के लिए और कांग्रेस चुनाव में अपनी मदद के लिए। चाइना ने साफ साफ कहा था कि चुनाव में हम कांग्रेस सरकार की मदद करना चाहते हैं। यह भी इस रिपोर्ट को भी तमाम मीडिया चैनल ने बताया था कि आखिर चाइना और पाकिस्तान कांग्रेस की मदद क्यों करना चाहते हैं। दोस्तों याद रखना, अगर हम जातियों में बढ़ते रहेंगे ना तो ऐसे नेता,
ऐसे पॉलिटिकल पार्टियां हमें नोच नोच के खाती रहेगी। यह देश हम सबका है और इस देश में रहना हम सबको है। बस ब्रह्मोस की टेक्नोलॉजी चाइना को सौंपना कांग्रेस के लिए बहुत भारी पड़ेगी। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। और लगातार लाइव आया करूंगा, कांग्रेस की सच्चाई लगातार दिखाया करूंगा। जय हिंद दोस्तों।